गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ इज फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। बेटे, आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, रीडिंग करेंगे आज हम। ओ स्टूडेंट्स, ओपन योर हिंदी रीडर बुक चैप्टर नंबर 7, तेनाली रामन। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? रीडिंग स्टार्ट नाउ। तेनाली रामन विजयनगर के महाराज कृष्ण देव राय के दरबार में एक विदुषक थे। तेनाली रामन का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमलर नामक गांव में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म ग्रहपति रामाकृष्ण था। उनका नाम ग्रहपति रामाकृष्ण था। उनके पिता ग्रहपति रामायनगर तेनाली नगर के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पुरोहित थे। रामायण का निधन रामाकृष्ण के बाल्यकाल में ही हो गया था, जिसके पश्चात उनकी माता लक्ष्मम्मा तेनाली नगर लौट कर अपने भाई के साथ रहने लगी। रामकृष्ण अपने मामा के नगर में ही बड़े हुए और तेनाली रामन के नाम से जाने लगे। तेनाली रामन ने बाल्यकाल में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, परंतु ज्ञान की सुधा होने के कारण वे बाद में प्रखंड विद्वान बने। एक सुप्रचित लोक कथा के अनुसार शैव होने के नाते तेनाली रामन को वैष्णव विधान अपना शिष्य बनाने से इनकार करते थे। एक बार जब वे मारे मारे फिर रहे थे, तब एक मुनि ने भी माँ काली की साधना करने का सुझाव दिया। तेनाली रामन की भक्ति से प्रसन्न हो काली ने उन्हें दर्शन दिए और रामन को दो कटोरे दिए। पहले कटोरे में दही था, जो धन के लिए था, वे दूसरे में दूध था, जो बुद्धिमता के लिए था। बुद्धिमता बेटे, जैसे बुद्धि के लिए, अकल के लिए। देवी ने रामन से कहा कि कोई एक कटोरा ले लो, पर रामन ने दोनों ही ले लिए, जिससे रामन महा धनवान क्या था बेटे, अमीर धनवान वे महा बुद्धिमान बन गया। तेनाली रामन ने हिंदू धर्म पर रचनाएं की हैं। रामन की पत्नी शारदा और पुत्र भास्कर था। रामन का परम मित्र गुंडप्पा था। तेनाली रामन के विदुषक ही नहीं थे, वह तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। तेनाली रामन ने विजयनगर के महाराज कृष्ण देव राय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। उन दिनों महाराज कृष्ण देव राय ने कुछ विद्वानों की सभा, विद्वान होते हैं बेटे जो सबसे ज्यादा अकलमंद हो, विद्वानों की सभा बुलाई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुंचे। सभा में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद क्या होता है बेटे, बातचीत होना, आपस को एक बात को हटाना और दूसरी एक बात कह देना। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सभी ऐसी नहीं है जैसे दिखाई देती हैं, हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार ही कर रहे थे कि अचानक रावण खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना काफी है कि वह चीज खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनाली रामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यही बैठा रहने दीजिए। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदुषक का स्थान दे दिया। अब वह तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ओपन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। एक दिन महाराज
तेनाली रामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनाली रामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में आए। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रोध हुए। उन्होंने सिपाहियों की आज्ञा की, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनाली रामन ने नम्रता से कहा, नम्रता से क्या होता है बेटे, प्यार से, स्लाइटली भी, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह दिखाई ना दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनाली रामन के विषय में ऐसी अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्ण देव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांव में जाएं जिनकी दशा अच्छी है, या उनके गांव में जाएं, इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी और गांव वालों पर उनका रोग भी पड़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनाली रामन की ओर देखा। तेनाली रामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनाली रामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मीन्स बेटा हैरानी। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम ना था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन होते हैं बेटे, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनाली रामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे। विजयनगर के राजपुरोहित तथाचार्य तेनाली रामन से बहुत शत्रुता रखते थे। तथाचार्य तथा उनके शिष्य धनीचार्य और मणिचार्य रामन को संकट में फंसाने के लिए नई नई तरकीबें प्रयोग करते रहे थे, पर तेनाली रामन उन तरकीबों का हल निकाल लेते थे। बेटा आज हमने लेसन पढ़ा है तेनाली रामन। तेनाली रामन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हमारे देश में कहानियां प्रचलित हैं। इनकी कहानियां हमें आमतौर पर मिल जाती हैं। आप लोगों ने दूसरी कक्षा से लेकर लास्ट कक्षा तक आप इनकी कहानियों को सुनते रहोगे। इनकी बुद्धिमत्ता के लिए इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। महाराज की प्रजा इन्हें बहुत पसंद करती थी। महाराज भी इनको बहुत पसंद करते थे। आप सबने इस लेसन को ध्यान से पढ़ना है और रिवाइज भी करना है। रिवाइज करने के बाद किताब पर दिया हुआ काम